दिखाएंगे प्यार भरे सपने निभाएंगे। इसमें परिंदे वगैरह नहीं? नहीं, सिर्फ दाना पानी है। जिसने घोंसला बनाना हो बना लेते हैं, इसमें रहते नहीं हैं। देखिए, इसका दरवाजा भी हर वक्त खुला रहता है, यानी इसमें रहने या ना रहने का इख्तियार इन पे छोड़ दिया गया, जैसे इनकी मर्जी। कोई जल्दबाजी नहीं है, ना हम उनके पाबंद हैं ना वो हमारे। ये तो बात शुरू हुई है, अगर तुम्हें किसी भी वजह से वो तो पसंद नहीं आते तो हम ये सिलसिला यहीं ख़त्म कर सकते हैं। मेरी नज़र में उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है जिसमें औरत को इज्जत ना दी जाए। हम बहुत मेहनत से वो बनते हैं जो आज हम हैं, तो किसी को हक नहीं है कि वो हमें मिटा सके। आई एम क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे गोलमोल बातें नहीं आती। गुनगाएंगे बल खाएंगे प्यार भरे सपने निभाएंगे। हाय हाय, तुम आइए। भाई अब एक ही बिल्डिंग में होते हैं, मुझे लगा कि तुम्हें लेने आना चाहिए, सो आई एम हियर। एंड सेकंडली, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। क्या समझते हो यार तुम अपने आप को, काम ना करने देना। चलो और आ जाओ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। कैसा रहा लंच, मजे का था? हाँ अच्छा था। क्या खाया? ये भी कोई पूछने की बात है? इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, ये बताओ मुलाकात कैसी रही? बताओ बेटा। अच्छी थी। अलीजे बताओ ना। अच्छी थी, इज अ नाइस गाय। बस इतनी सी बात, कुछ और भी बताओ ना। मैं सिर्फ ये पता करने गई थी कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ एक साइड से होता है या दूसरी साइड से भी कोई गुंजाइश है। फिर क्या पता चला? यही कि वो एक अच्छा इंसान है, मतलब वो फेक नहीं है, काफ़ी जेन्युइन है। जो इंसानियत सिर्फ दिखावे के लिए रह गई है ना, वैसा कुछ नहीं है उसके अंदर। लगता है कि वो तुम्हें इम्प्रेस कर रहे होंगे। अच्छा फजूल बातें मत डालो उसके दिमाग में, मुझे तो उससे मिलते ही पहली ही नज़र में पता चल गया था, बहुत सादा दिल का है बच्चा। हाँ इतना भी सादा नहीं है माँ। ओह नो यार, मैं अपना वॉलेट भूल आई हूँ। अपना वॉलेट उधर ही भूल आई, तुम भी बस कमाल ही करती हो। हेलो जी, आई एम सॉरी, मुझे ज़रा भूलने की आदत है। थैंक्स। वो भिजवा रहे ड्राइवर के हाथ। चलो अच्छा है, दैट्स गुड। अच्छा बताओ तो ऑर्डर क्या किया था? स्टेक विद मशरूम सॉस। खुश होगी मेरी माँ? कैसी हो? How are you doing? I'm good. वो actually अलीज़े अपना वॉलेट छोड़ गई थी, मैंने सोचा उसको दे देता हूँ। दे दोगे प्लीज? खुद ही दे दीजिए आप। हाय हाय, आपने क्या तकलीफ की? नहीं नहीं, तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। Your house was almost on the way, मैंने सोचा important है, खुद ही दे देता हूँ। Hi sir. इसी बहाने तुम्हें देख भी लूँगा। अंदर नहीं आएंगे आप? नहीं, आई थिंक नॉट दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सी यू, थैंक यू, बाय। तुम जानबूझ के छोड़ के आई थी ना वॉलेट अपना, खूब कैसे भागे भागे आए तुम्हारे पीछे। तो फिर शहरी, बिजनेस कैसा चल रहा है बेटा आपका? जी शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है। आपके हस्बैंड आजकल क्लब नहीं आते? एक्चुअली वो US गए हुए हैं, बस जल्दी वापस आ जाएंगे, और वैसे भी अब तो हमारा मिलना जुलना लगा ही रहेगा। ये ऊपर वाले पोर्शन में शहरी रहते हैं? एक्चुअली ऊपर वाले पोर्शन में आंटी हम नया किचन बनवा रहे हैं, ताकि नतालिया को वो कोई प्रॉब्लम मत हो। और वैसे भी ये हम सबको जानती है। लेकिन बेटा फॉर्मल बातचीत भी तो जरूरी है ना, क्यों हमदानी साहब?
क्या मतलब फॉर्मल बात? भाई फॉर्मल बात होगी तो बात आगे बढ़ेगी ना। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? अगर आप शेरी और नतालिया की शादी की बात कर रही है, वो तो नताशा ने हमें सिर्फ सजेस्ट की थी। बाबा ओह माय गॉड, एक्चुअली आई एम कमिटेड समवेयर। हाउ कम यू आर कमिटेड टू समवन एल्स? यू आर नॉट श्योर? यस आई एम। तो फिर तुमने हमसे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की थी? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? टू इंसल्ट अस? ही इज क्लियरली इंटरेस्टेड इन समवन एल्स। नतालिया, ऐसी कोई बात नहीं है। खबरदार, खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर दोबारा लिया। तुमने मजाक समझा हुआ है? तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी के रिश्ते ही नहीं आते? तुम तो बात पक्की करके आई थी, वो तो अच्छा हुआ हम खुद यहाँ आ गए। अब मुझे यहाँ एक सेकंड नहीं रुकना, चलो यहाँ से। आंटी मेरी बात तो सुने। नतालिया लिसन टू मी यार, प्लीज। शेरी तुम्हें पता भी है कि तुमने किया क्या है? क्या किया है मैंने? ये तुमने क्या किया है? हालांकि तुम जानती हो कि मेरी अलीजा की बात चल रही है। कौन सी बात शेरी? क्या हो गया तुम्हें यार? I mean, why are you doing all of this anyway? शादी मेरी हो रही है तो फैसला भी मुझे करना चाहिए ना। इस घर के फैसले मैं लेती। नताशा, उस दिन मैंने साफ कह दिया था, तुम अलीजा और शेरी को थोड़ा सा समझने का मौका दो। क्या समझ दे लू डैड? They are poles apart. No, we're not. मैं मिला उससे and I like her, okay? ये बात अपने जिन में बिठा लो, शादी में अलीजा से ही करूंगा। डैड आप फोन करें वहां और बात पक्की करें। तुम मेरी इजाजत के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते? और तुमने क्या बदतमीजी की है नतालिया के साथ? शेरी मैं तुम्हें बता रही हूँ, अलीजा तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना, लेकिन मुझे लगती है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। और अगर तुमने इस बात को अब जिद बना लिया ना, तो मेरी भी यही जिद है, अलीजा। डैड आपने देखा ही मुझसे किस तरह बात करके गया। गलती तुम्हारी है नताशा, हर शख्स को स्पेस दी जाती है और तुम शायद ये भूल गई हो। हेलो अलीजा, कहाँ हो यार? इतने फोन, इतने मैसेजेस किए, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? हाँ कौन हो तुम? प्लीज मेरी बात समझो अलीजा, मुझे कोल्ड फीट हो गया था यार, और आता भी तो किस बलबूते पर। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने? बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। ना तुम्हें अपनी बात का पास है, ना अपनी कमिटमेंट की परवाह है, तुम जैसों को बस धोखे देने आते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अलीजा, सिर्फ तुमको अपनी मजबूरी बताई है बस। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर लूंगी? तुम अगर चाहते तो एफर्ट कर सकते थे, बट नो, जस्ट वांटेड टू हैव अ गुड टाइम। अलीजा, आई लव यू। डोंट यू डेयर यूज दीज वर्ड्स फॉर मी। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई फालतू लड़की हूँ? बल्कि कोई भी लड़की फालतू नहीं होती। जो तुम जैसों के लिए अपनी जिंदगी के कीमती साल बर्बाद करे। जिंदगी में एक गलत कदम पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है। और यू नो, अच्छा हुआ मैंने ये गलत कदम नहीं उठाया। मुझे तुम्हारी हकीकत का पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम जैसा बेवजन आदमी बेवजन ही रहता। आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश मत कर। हेलो हेलो,
एक दो जगह से पता करवाया है मैंने, तो बहुत नेक नाम लोग हैं, इनकी हिस्ट्री वगैरह पता कराई मैंने, लड़का किसी बुरी आदत का भी शिकार नहीं है। हमदानी साहब से तो एक दफा मुलाकात रही है मेरी, हसन तो कहता है कि ऐसा लड़का अगर चिराग लेके भी ढूंढोगे ना नहीं मिलेगा। अलीजे को भी अब शहरी पसंद आ गया है, मेल मुलाकात से ही पता चलता है ना एक दूसरे का, लेकिन बस ये मजीद मुलाकातों का सिलसिला बंद होना चाहिए, जो भी है डायरेक्ट शादी पे बात हो, जो फैसला होना है बस हो जाए। अलीजे राजी है, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को अपने फैसलों का पाबंद नहीं करना चाहता, उनकी जिंदगी का फैसला है उन्हीं को करना चाहिए। आ जा मेरे बच्चा, तुम्हारी बात हो रही थी, आ जाओ बैठो। बाबा मैं बस ये कहना चाहती थी कि मुझे शहरी से शादी करने में कोई इतराज नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी शहरी एक अच्छा और नेक तड़का लगा, लेकिन फिर भी कहूँगा एक बार तुम्हें सोच ली। जी डैड अच्छी तरह सोच लिया है मैंने, ताशा की जिद में थोड़ी कर रहा हूँ यह सब कुछ। अलीजे से जो भी शादी करेगा ना बहुत ही खुशकिस्मत होगा, मुझे पसंद आ गई है। बस आप बात कर ले उनसे अभी तो रात हो गई है। अरे इतनी भी रात नहीं हुई डैड, श्योरली यू कैन कॉल देम राइट नाउ। मैं चाहता हूँ ये मामला जरा जल्द से जल्द हो जाए ना, ताकि नताशा भी तो कबूल कर ले। मुझे लगता है कि शादी की तारीख भी जल्दी लेनी पड़ेगी। अलीजे मुंह मीठा करो, मामा वो लोग आ रहे हैं कल रिश्ता लेके, अभी आया था हमदानी साहब का फोन, देखो अभी तुमने हाँ की और साथ ही उनका फोन आ गया, मेरे घर की पहली खुशी है, अल्लाह मुबारक करे। मुझे भी देना, बल्कि ये सारी मिठाई मेरी है, आखिर मेरी बहन की शादी है, खुश होना, मुंह से बोलो ना। हाँ भाई माँ तो पागल ही हो गई है यार, तो अकलौती बहन है, वो नहीं होगी तो और कौन होगा। नहीं, हेलो, आपने किस लिए मेरी बहन को कॉल की है? क्यों नहीं कर सकता? जी नहीं, अब उसका और आपका पर्दा है, आपको जो भी बात करनी है ना आप मुझसे करें। फोन बंद कर दिया उन्होंने। बंद कर दिया? जान ना पहचान, तुम क्यों मजाक करने बैठ गई? क्या जरूरत थी तुम्हें मजाक करने की? कोई रिश्ता है तुम्हारा अभी? तुम कर लो ना बात बेटा, तुम इधर आओ, चलो बाहर चलो। जी अस्सलाम वालेकुम, अलीजे है। आपने फोन क्यों बंद किया था? नहीं सॉरी, वो कॉल ड्रॉप हो गई थी, बता देना रमजा को। कैसी हो? कल आ रहे हैं हम आपको लेने के लिए। जी Are you happy? सिर्फ I'm used to words. हर बात कहने की नहीं होती। यही तो टाइम है मैडम बातें करने का। I was missing your voice. भाई मैंने मंगनी का अभी किसी को नहीं बताया, जब हो जाएगी तो फिर हम बता देंगे, अभी तो तीनों को पता। ठीक है। नताशा क्या बात है, तुम तैयार नहीं? भाई नहीं गाइस, मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? 8:30 का टाइम था यार। सारे फैसले तो आप दोनों ने ले ही लिए, तो मंगनी भी जाके आप दोनों ही कर ले। अगर मेरा एहसास होता ना तो मेरी ख्वाहिश का पास रखते आप। तुम्हें क्या लगता है इस तरह जिद करके मेरी मंगनी रुकवा लोगी तुम? मैंने सब कुछ नहीं कहा शेरी, तुम्हारी जिद है ना, कर लो उसे। तुम्हारी एक ही बहन है, क्या जवाब दोगे उनको जब पूछेंगे बहन कहाँ है? नताशा भाई है तुम्हारा, ये बात ठीक नहीं है, जाके तैयार हो जल्दी जाओ। मैं उस घर में नहीं जा रही, डू यू गाइस लिसन टू मी? ठीक है तुमने नहीं आना ना मत आओ। अरे हम भी कह देंगे शहर से बाहर गई भी है।
चले डैड। बहुत अफसोस हुआ, शर्म आ रही है मुझे। ये मुझे इस तरह अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मैंने इन लोगों के लिए क्या नहीं किया? लीज़े, तुम देख ले। नताशा, तुम कब आई इस्लामाबाद से? मेरे भाई की मंगनी हो और मैं ना हूं, ऐसे हो नहीं सकता। सो हियर आई एम जस्ट इन टाइम। We were just about to do the ring. Rajo? नताशा हमारे घर की अकेली लड़की है, लेकिन अब उसे सीरियस होना पड़ेगा, वरना ये रिश्ता टूट भी सकता है। सफेद झूठ। देखिए, आपको मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है और झूठ बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं क्यों करूँगा ऐसा? गुन गाएंगे, बल खाएंगे, प्यार भरे सपने निभाएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अलीजे की मंगनी की रस्म तो अदा हो गई। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। अलीजे भी मुतमईन लग रही है। आपको लग रहा था ऐसा? वो कुछ कहती नहीं ना आपको, बहुत लिहाज करती है। ये मुतमईन नहीं है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो बस अलीजा के मिजाज के बारे में थोड़ी फिक्रमंद हूँ। अल्लाह करे मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। मामा, आपकी ग्रीन टी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अचानक से ना मुझे ख्याल आया और मेरा दिल बैठे जा रहा है। अरीजे के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी, तो मैंने अब सोचा है। तुम्हें नहीं, हम सब अकेले हो जाएंगे। ये हमारी बड़ी बेटी है, इस घर की रौनक है। अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है बेटा, फिर ये तो सदियों का रिवाज है। देखो, अरीजे के जाने से तुम अकेले हो जाएंगे, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने से क्या होगा? क्या होगा पापा?
हम घूमेंगे फिरेंगे, इतने सुकून से रहेंगे, कोई हमें तंग करने वाला नहीं होगा। कितनी बुरी है। बेटा ये वक्त उदास होने का नहीं है, खुश होने का है। अल्लाह करे तुम लोगों को इतनी अच्छी जिंदगी मिले कि कभी मैकी की याद ही ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ शौहर ऐसे होते हैं जैसे मेरे लिए तुम्हारे बाबा हैं। एक बात तो है, जैसा इन्होंने मेरा साथ निभाया है ना, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। मुझे खुशी हुई तुमने ज्वाइन किया, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। चले आपने एक्नॉलेज तो किया डैड कि मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ, मैं तो हमेशा से ही अच्छी बेटी थी, पर आपने एक अजनबी लड़की को मेरे पे प्रायोरिटी दी है। ऐसी बात नहीं है नताशा, मोन यार तुम जानती हो डैड के दिल में और मेरे दिल में तुम्हारे लिए अलग मकाम है। देख सकती हूँ मैं अपना मकाम शेरी। अगर सोचना तुम्हारी माँ होती तो कितना खुश होती। अगर मेरी माँ जिंदा होती ना डैड, और वो मेरी हालत देखती कि मेरा सगा बाप और मेरा सगा भाई एक अजनबी लड़की के पीछे मुझे छोड़ के चले गए। आप दोनों को वो जो लग रही है ना, शी इज नॉट अ सेंट, वो बहुत तेज लड़की है। अच्छा तुम छोड़ो ना इस बात को, लेट मी हैंडल दैट, मैं मैनेज कर लूंगा सबको। शेरी ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो थक गया हूँ, चेंज करने जा। शेरी मैं ये सोच के चली गई थी कि मेरा भाई अकेला होगा, पर तुमने तो मेरी परवाही करनी छोड़ दिया यार। तुम गलत समझ, तुम मेरी बहन हो यार, I care about you. Don't say that, शेरी, तुम्हारी तो आंखें भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही हैं इस वक्त। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम कौन हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, सो डोंट गिव मी दिस ड्रामा। क्या हो गया यार, मुझे तो लग रहा था हम वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाए। यार प्लीज नाउ जस्ट लेट इट गो, देखो मेरी शादी है ना, तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। प्लीज यार प्लीज, तुम सब कुछ भूल सकती हो ताकि हम आगे बढ़े। और तो तुम गए, और तुम्हें आगे क्या चाहिए शेरी, प्लीज टेल मी। शेरी की बहन नताशा इतनी जल्दी तैयार होके एयरपोर्ट से वापस भी आ गई। मेरे जहन में भी ये बात आई तो थी, क्या लगता है तुम्हें इस्लामाबाद नहीं गई थी वो? नहीं, मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे थे। हो भी सकता है, वैसे भी जिस तरह से शेरी भाई और नताशा अलग अलग से थे ना, बहुत खिंचे खिंचे लग रहे थे। हाँ बस कोई तो बात थी यार, मेरी ना मुझे लगता है नताशा से ज़्यादा बनने नहीं वाली। अच्छा छोड़ो नताशा को, तुम सिर्फ शेरी भाई के बारे में सोचो, वो तो बहुत अच्छे हैं ना। शायद पता नहीं, क्या पता नहीं, शक कर रही हो तुम उन पर? शक तो नहीं है लेकिन। लेकिन क्या यार, अब तुम उन्हें सलमान से कंपेयर ना करो। वैसे भी अपना तुम सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो, तुम, तुम्हारा घर और तुम उस घर की इकलौती मालकिन, सब कुछ कितना बदल जाता है ना। ओह प्रिंस चार्मिंग, फोन दो। तुम सो फोन दो यार, क्या है, जाओ गो। हेलो, हाय कैसी हो? ठीक। खुश नहीं होना चाहिए क्या? मैं अभी तक तस्वीरें देख रहा था, तुम्हें भी भेजी, देखो जरा, हू लुक्स बेटर? थी ऑफ कोर्स आई लुक बेटर। तुम तो हर तस्वीर में ग्रंपी लग रही हो। आपने ये बताने के लिए मुझे कॉल की है? अरे यार मजाक कर रहा हूँ। दरवेश हूँ मैं, तुम रहोगे ना मेरे साथ तब पता चलेगा। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, नताशा क्या वाकई एयरपोर्ट से आई थी? मैंने यही कहा था ना, मुझे नहीं लगा। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? है ऑब्वियसली, होना भी चाहिए। आपको मेरा सवाल पूछना बुरा लगा क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे जज कर रही हो ना, आई डोंट लाइक इट। और सुनो, मैंने नताशा और रमजा के लिए तुम्हें फोन नहीं किया।
थी। अच्छा ये बताओ कल का क्या प्लान है? कल? अच्छा सुनो मैं घर आऊंगा तुम्हारे, फिर हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। हम वीडियो कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। अगर मैं ना कहूँ तो? नहीं तुम्हें नहीं अभी कहना तो नहीं चाहिए, अभी तो मंगनी हुई है हमारी, इतना तो हक बनता है मेरा। रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। Why are you so beautiful? आपने स्क्रीनशॉट लिए है, प्लीज आई डोंट लाइक दिस। तुम्हें पता है हमें निकाह कर लेना चाहिए था। अच्छा मैं चलती हूँ, आप बात ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। क्या कर रहा हूँ यार, देख ही रहा हूँ ना तुम्हें। Stop it, will you? You're impossible, यार। मैं कॉल कट कर लूँ? Sure. Bye. Good morning, Dad. Morning. कैसे हैं? कैसे हो? ठीक, हाँ बताए। अनिंदा नताशा कहाँ? आप वो दफ्तर जल्दी चली गई थी आज। राज हो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। हम जानते हैं शुरू से मूडी है, मैं तो उसे छोड़कर चले गए थे ना, उसे मना कर ले जाते तो अच्छा था। क्या करते डैड, लास्ट मिनट तो उसने इनकार कर दिया था, जाहिर है उसको छोड़ के जाना पड़ा। खैर छोड़ो, मेरी बेटी है, मैं मना लूँ। हाँ मान तो जाएगी वो, लेकिन भूलेगी नहीं, आखिर आपकी बेटी है ना। क्या मतलब? कुछ नहीं। देखो शहरी, तुम्हारी अरेंज मैरिज हो रही है, और इस तरह की शादियों के मामला जो है ना वो औरतें देखती हैं। नताशा हमारे घर की अकेली लड़की है, इसलिए थोड़ी सी पुतझर होंगी है, लेकिन अब उसे सीरियस होना पड़ेगा, वरना ये रिश्ता टूट भी सकता है। नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ उससे अपने तरीके से। देखो जो मर्दों के मामला आता है ना वो तो मैं देख लूँगा, लेकिन ख्वातीन के लिए उसे हमारे दरमियान आना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि एहतिशाम की फैमिली इस खिंचाव को भांप जाए। Then don't worry, मैं बात करूँगा उससे। प्लीज do that. Oh wow! मामा आपने जान है मेरी। अल्लाह रमजू, एक तो तुम्हारी चिपकने की आदत जो है ना, काम करने दो मुझे। वैसे भी शहरी आने वाला होगा, वैसे मैं तुम्हें बताऊँ बहुत ही अच्छा बच्चा है, स्पेशली उसने मुझे फोन किया और मुझसे परमिशन ली अलीजे को बाहर ले जाने की। हाउ स्वीट। कोई नहीं, दोनों ने रात में प्लान बना लिया था, अब देखेगा बाहर जाके भी ठूसेंगे, घर पे भी खाना खाएंगे। मैं तो बात करने का बिल्कुल सलीका ही नहीं है, बहनोई जो है ना वो बड़े भाई की जगह होता है, याद रखो। अच्छा ना छोड़े, लेट मी हेल्प यू, मैं ये मीठा असेंबल कर देती हूँ। वैसे आपको नहीं लगता हमें भी उनके घर जाना चाहिए? हाँ बेटा हो जाएगा, चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगता है शहरी आ गया, मैं जरा जाके देखूँ अलीजे तैयार भी हुई है कि नहीं। मैं जाके देखती हूँ। हाँ ठीक है जा। ये देखो, आई थिंक ये वाली पिक्चर भी सबसे अच्छी लगी है, फेम पर आएंगे। बहुत अच्छी, और दिखाओ। ये वाली भी अच्छी है। लुक सो गुड देयर। वी लुक गुड देयर। अरे मुझे भी दिखाओ ना कौन सी पिक्चर्स है। मैं सिलेक्ट करती हूँ पिक्चर, ना बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे तुम्हारा मेकअप कितना लाइट लग रहा है, ये ना मेरी बिल्कुल नहीं सुनती, हर वक्त सिंपल रहने का शौक है इसे। I like her the way she is, अच्छा, ज़्यादा बुराई मत करो इसकी। Really? तुम कुछ क्यों ना लेने रहे? यार कहीं बाहर चलते हैं ना, let's go out somewhere. नहीं, हमने इतना कुछ बनाया आपके लिए, कुछ तो ट्राई करना होगा आपको। अच्छा तुम भी लोगे? हाँ हाँ, ये सब चीज़ें आई थिंक चाय के साथ अच्छी लगेंगी, मैं चाय ले आती हूँ, आप ये ट्राई करें। अरे लीजा मैंने चाय रखी हुई, तुम जल्दी से ले आओ।
जी कैसा लग रहा है आपको? जैसे मैं सोच रही थी कि हमें भी किसी दिन आपके घर आना चाहिए। पता तो चले आप लोग रहते कहाँ हैं। मैं डैड से बात करूँगा, अरेंज कर लेंगे। पर वैसे ये बातें तो बड़ा कोई करने वाली होती। ट्रू, वैसे भी अभी तो मंगनी हुई आप लोगों की। वैसे तुमने वो सेइंग तो सुनी होगी ना, टू इज कंपनी एंड थ्री इज अ पार्टी। नो, टू बी मोर एग्जैक्ट, थ्री इज अ क्राउड। थ्री इज अ क्राउड। वैसे आप ये क्यों कह रहे हैं मुझे? मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? आपको नहीं पता मैं इन बातों का ना बहुत जल्दी बुरा मान जाती हूँ। अच्छा कुछ और ट्राई करें ना आप बोले। वैसे हसद तो करती होगी तुम्हें ना। I mean, तुम्हारी बहन को एक इतना अच्छा कंपेनियन मिल गया, जेलस तो होती होगी तुम। I mean, ऐसा होता ना सिबलिंग्स में वो राइवलरी वगैरह। अगर मुझसे पूछो ना, अगर मुझे कोई कहता कि मैं तुम दोनों के दरमियान में से चूज करूं किसी को, तो डेफिनेटली मैं उसी को चूज कर। आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? वैसे ही मैं एडवाइस दे रहा हूँ यार, तुम बहुत जल्दी घुल मिल जाती हो ना, इसलिए कोई इस बात का फायदा भी उठा सकता है। बी केयरफुल। ओह माय गॉड, क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं, तुम लोग चाय पियो, मैं आती हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चाय दे दी उन लोगों को? सब कुछ है उनके पास, बिना जब मैं यही फिक्र रहती आप। अच्छा मैं देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की, बातें कर रहे हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों मुंह फूला हुआ है? बताती हूँ बात है। ये शेरी भाई ना बड़े अजीब से इंसान है। क्या कह रही हो? चुप करो, कुछ सुन देगा। अच्छा जाओ, जा तू कमरे में जा। पोएट्री का शौक रखती ना? पढ़ने की हद। Well, one of my many talents is कि मैं पोएट्री लिखता भी हूँ। Sounds impressive, यानी काफी टेस्टफुल इंसान है आप। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मैं हूँ। आइए प्लीज। तो किसके लिए लिखते हैं? इश्क़ तो किया होगा। मेरे साथ बहुत सारी उन्होंने किया होगा, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। सफेद झूठ। देखिए आपको मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, और झूठ बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं क्यों करूँगा ऐसा? क्योंकि आपको मिस्टर परफेक्ट बनने का शौक है। कौन हो यार तुम? कुछ भी नहीं, बस एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी। और मोहब्बत तो बहुत एक नाजुक सा लतीफ सा जज्बा होता है, इस पे हंसने की किसी को इजाजत नहीं। Oh my God! I'm so totally in love with you. I can't even tell you. जानती हो सारा दिन मुझे कोई काम ही नहीं है। और तुम? आपको पता है मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों ने बहुत जल्दी की है, कुछ लोग इतना जेन्युइन नहीं होते जितना वो नजर आते हैं। अब हमारा भी बड़ा तजुर्बा है बेटा, सारी जिंदगी घास तो नहीं चरी ना, तुम एक छोटे से मजाक का बतंगड़ बना रही हो। अली से बहुत अलग है मामा, उसके सामने कोई ऐसी बात करता ना उसको मुझसे भी ज्यादा बुरा लगता, बल्कि उसने तो मुंह ही तोड़ देना था उसका। मैं एक्साइटेड होके चली गई थी वहां। तो क्या जरूरत थी, थोड़ी स्पेस देनी थी ना। वैसे भी साली और बहनोई के रिश्ते में ऐसा चलता रहता है। बट साली बहनोई, आप भी ना हद ही करती है, कोई बुरी चीज बुरी नहीं लगती आपको? अच्छा प्लीज बात का बतंगर ना बनाओ, और अलीजे के सामने कोई बात ना करना, ओके? रमजा मैं कुछ कह रही हूँ। तो वो जब दिल चाहेगा मुझ पे सिबलिंग जेलेसी का इल्जाम लगा देंगे, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते है ना वो। अब मैं तो वहां थी नहीं, मैं क्या बताऊं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे बचपने की वजह से मैं ये बात को बिगाड़ना नहीं चाह रही, ओके? अच्छा वो आ गई है, अब उसके सामने ना कुछ बोलना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम, शेरी भी आया साथ? नहीं वो बाहर से चला गया, बहुत थक गई होगी, लंबी ड्राइव थी ना। हाँ बहुत लंबी ड्राइव थी ना।
रमजा चलो बहन के कंधे तपा। रमजो रहने दें, इसको रेस्ट करने दें। रमजो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, बहुत अच्छा खाना था और शहरी को बहुत अच्छे प्रॉन्स के स्पॉट्स भी पता थे, तुम्हें भी खिलाऊंगी। और वहाँ एक फेस्टिवल लगा हुआ था तो शहरी ये तुम्हारे लिए लेकर आया। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अच्छा, क्या हुआ ऐसे, इसका मूड क्यों इतना खराब है? कुछ नहीं बेटा, वो ये उदास हो रही है ना तुम्हारे जाने के ख्याल से, बात बात पे इसको रोना आ रहा है। अच्छा तो मैं नहीं जाती, इसको ही सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर है तुम्हें? नहीं एक मिनट माँ, किस बात का डर लग रहा है तुम्हें बताओ? पापा कहीं बाहर गए हैं क्या? हेलो जी पापा, मुझे कुछ आई डोंट नो, लेकिन प्लीज आप लोग इस शादी में जल्दी ना करें। रमजा तुम्हारी तो ना अकल को पत्थर पड़े हुए हैं, खाम खाम में मुंह फुलाया हुआ है। देखो खबरदार, अलीजे से ना कुछ कहना, तुम्हारे अब्बा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर बात आगे बढ़ी। अच्छा खामोश रहना। कैसा फील कर रही हो? ठीक हूँ। रमजू तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? अच्छा था, इसलिए तुम माँ के कमरे में छोड़ आई हो, लेकर भी नहीं आई अपने साथ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। यू नीड टू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू। क्या छुपा रही हूँ मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही तुम्हें से। देखो मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें कुछ तो हुआ है। आज जब तुम शहरी के साथ थी तब तुम बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद ही कुछ हुआ है तुम्हें। क्या हुआ है, यू नीड टू टेल मी, बताओ मुझे। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ अली से। तुम्हें अपसेट करने का और तकलीफ देने का किसी को कोई हक नहीं है। हेलो हेलो, क्या हाल जी? आप बिजी तो नहीं हो? आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। नहीं नहीं पूछो। शेरी यू डू रियलाइज के हम अभी अभी मिले हैं और हम एक रिश्ते में बनने वाले हैं, बट देयर इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे लिए मेरी बहन बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मैं वैसे ही बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। आई डोंट थिंक सो, आई विल एवर बी सो ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट एनीबॉडी। दैट्स वेरी नेचुरल। आपने इसे कुछ बोला है? कोई बात हुई है? वो अपसेट है शायद। हाँ मैंने, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं वो अपसेट है और आपने उसे कुछ कहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। गुन गाएंगे बल खाएंगे।